वेलकम बैक टू रसी किचन। आई होप आप सब अच्छे और सेफ है। आज हम आप सबके सामने बनाएंगे वन काइंड ऑफ टाइम पास वाला फूड, वो है झालमुड़ी, जो कि इंडिया की हर एक जगह में फेमस है। चलिए स्टार्ट करती है कैसे बनता है। झालमुड़ी बनाने के लिए मैंने क्यूकम्बर को ऐसी स्लाइस पीसेस में काट लेंगे। क्यूकम्बर को जितना स्लाइस पीस करेंगे उतना दिखने के साथ साथ टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। इसको हम के अंदर ले लेंगे। देन मैंने बॉयल पोटेटो को छोटी छोटी पीसेस में काट लेंगे, जैसे झालमुड़ी में डालती है। झालमुड़ी इंडिया की हर एक जगह में मिलती है, बट कोलकाता की झालमुड़ी का जो टेस्ट है, उसका जैसा टेस्ट आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। अगर आप कोलकाता से नहीं हो तो जब आप कोलकाता जाएंगे तो एक बार ट्राई करके देख सकती है। बहुत यम्मी सा और टेस्टी सा मिलता है। आप जब ट्राई करेंगे तभी तो आपको पता चलेगा ना डिफरेंट कैसा है। प्लेट में निकल लिया। मैंने झालमुड़ी बनाने के लिए एक बोल ले लिया। झालमुड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर अराउंड 2 कप मुड़ी और जो पॉप राइस कहती है वो ले लिया। झालमुड़ी बनाने के लिए जो डिब्बा यूज करती है उस डिब्बे की बात ही कुछ अलग है। मेरे पास तो वो वैसा नहीं है, इसलिए मैंने एक बोल ले लिया, इसी से मैंने बनाएंगे। टाइम पास के लिए झालमुड़ी से बेटर ऑप्शन कोई नहीं सकता है ना। मैंने समर के टाइम पर झालमुड़ी बना रही हूँ, मुड़ी और पॉप राइस वो क्रिस्पी है। अगर आप रेनी सीजन और विंटर में बनाएंगे तो वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, इसीलिए अगर आपके पास माइक्रोवेव रहेगा तो आप 30 सेकेंड्स के लिए इसको माइक्रोवेव के अंदर डाल दीजिए तो ये क्रिस्पी और करारा बनकर तैयार हो जाएगा। अगर ना है तो आपके पास मोटा वाला जो एल्युमिनियम का कढ़ाई रहती है ना, उसको प्री हीट कर लीजिए पहले। गैस की फ्लेम को ऑफ करके उसके अंदर पॉप राइस और मुड़ी को डाल दीजिए और बहुत अच्छे से 30 सेकेंड्स के लिए स्टेयर कीजिए। देन आप देखेंगे कि आपकी जो मुड़ी और पॉप राइस है ये क्रिस्पी और करारा बनकर तैयार हो जाएगा। इसे मैंने पहले चनाचूर डालती हूँ, डाल दिया। देन मैंने इसके अंदर सेब डालेंगे, 2.5 टेबलस्पून डाल दिया। देन मैंने इसके अंदर डालेंगे बॉईल किया हुआ मटर। इसके अंदर मैंने काला जो चना होता है उसको भी बॉईल करके रख दिया, वो भी ले ली हूँ, अराउंड 4 टेबलस्पून। देन मैंने इसके अंदर डालेंगे हाइड मूंग दाल। देन मैंने इसके अंदर डालेंगे बॉईल किया हुआ जो आलू की पीसेस रखी थी वो डाल देंगे, अराउंड 2.5 टेबलस्पून। देन मैंने इसके अंदर डालेंगे 1 चॉप ग्रीन चिलीज, 1 टीस्पून जिंजर, 2 टेबलस्पून क्यूकम्बर, ऑनियन, सबको डाल दिया। इसके अंदर मैंने एक चना जो मैंने भिगो के रखी थी वो देंगे, अराउंड 2 टेबलस्पून। देन मैंने इसके अंदर डालेंगे 1 टीस्पून आमचूर पाउडर। देन मैंने इसके अंदर डालेंगे 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर। देन मैंने इसके अंदर डालेंगे 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर। ये बस कलर के लिए है। देन मैंने इसके अंदर डालेंगे अराउंड 1 टीस्पून भाजा मसाला पाउडर। ये भाजा मसाला पाउडर ये अगर आप झालमुड़ी के अंदर डालेंगे तो झालमुड़ी में जैसे जान आ जाएगा। आप एक बार डालकर दिखिए। इसमें क्यूमिन सीड्स, कोरिएंडर सीड्स, बे लीव्स और ड्राई ग्रीन चिलीज मैंने रोस्ट करके पाउडर बना लिया। देन मैंने इसके अंदर डालेंगे 1/2 टीस्पून सॉल्ट। मैं इसमें भुना कुटा हुआ क्यूमिन पाउडर नहीं डालेंगे क्योंकि भाजा मसाले में ऑलरेडी क्यूमिन है, इसलिए। अब मैंने इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसके अंदर डालेंगे अचार का तेल। देन इसके अंदर डालेंगे 1 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल, 1 टेबलस्पून टमाटर। बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छे से मिक्स हो गया। आप जब भी झालमुड़ी बनाइए तब आप जो बर्तन यूज करिए वो थोड़ा सा बड़ा वाला यूज कीजिए ताकि आपको इसको मखने में सुविधा हो। इसके अंदर डालेंगे नारियल, इसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे।
झालमुड़ी के हर एक बाइट पर अगर आपको नारियल मिलेगा, कांचा लौंगा और ग्रीन चिलीज का जो तीखा भाव है उससे अगर ये मिक्स्ड हो जाएगा तो जैसे चार चांद लग जाएगा। हो गया, अब ये जाएगा इसके अंदर। लाइम जूस इसके अंदर डाल देंगे, बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब जरूर झालमुड़ी के अंदर अचार की ऑयल डालिए, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा और टेस्ट भी आएगा। मेरा झालमुड़ी बनकर तैयार हो गया और ऊपर से ये कोकोनट गार्निशिंग करने के लिए। आप देख सकते हैं गाइस, मेरा झालमुड़ी बनकर तैयार हो गया। ये दिखने में जितना खूबसूरत है इसका टेस्ट उतना ही खूबसूरत आया है। आप घर में जरूर एक बार ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है और ये आपका टाइम पास के लिए भी बहुत अच्छा फूड है। सो इफ यू लाइक माई वीडियोज गाइज, लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू सी किचन। चलिए अब से फिर मिलूंगी एक अच्छा और खूबसूरत रेसिपी के साथ, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड बाय बाय।